प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल कर रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर के टोटल 3 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन हमारा ओवर हो चुका है और सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पोर्शन ही था। अगर फर्स्ट पोर्शन आपका तैयार हो गया और उसमें भी मेनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, अगर इस टॉपिक के ऊपर बच्चों आपकी ग्रिप है तो आप पूरी पार्टनरशिप में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जिम्मेवारी आपकी है। और अगर बच्चों आप मेरे सभी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली ध्यान से हर रोज देख रहे हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, सेकेंड टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। बच्चों, अभी मैं कैपिटल अकाउंट्स की बात कर रहा था कि कैपिटल अकाउंट्स हर बच्चे को विद लॉजिक पक्के होने चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप के बाकी जो 4 चैप्टर्स रह गए, हर चैप्टर में यू विल हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। आपका हर चैप्टर में कैपिटल अकाउंट से वास्ता पड़ेगा, इसलिए इस टॉपिक को पक्का करो। अभी जो सेकेंड टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं, पास्ट एडजस्टमेंट्स मीन्स एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। बच्चों, इस टॉपिक में कोई नया पॉइंट नहीं है। अगर पहला पोर्शन इस चैप्टर का तैयार है तो इस सेकंड पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेकंड टॉपिक है इस पे 2-3-4 दिन लगेंगे, लेकिन अगर आज वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए तो कल और परसों के लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए लिसन केयरफुली। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, मींस पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स क्लोज कर चुकी है। बच्चों, अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च। फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं और फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद फर्म को पता लगता है कि गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर्स, और फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद, बैलेंस शीट बनाने के बाद सब कुछ हो चुका है, फिर हमने देखा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए, गड़बड़ हो गई। सेकंड, किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, किसी पार्टनर को कमीशन देना था और हम गलती से देना भूल गए। देयर मे बी सो मेनी मिस्टेक्स। किसी से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था और हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए। ठीक है बच्चों, यही कोई गलती हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, गलती से हमने दे दिया 20%, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% और गलती से हमने दे दिया 5%। या एक और गलती हो सकती है कि हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही गलत कर दी। मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:2:1 और हमने गलती से क्या कर दिया, हमने कर दिया 1:1:1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशो। तो अगर अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं और बाद में लेटर हो फर्म को पता लगता है कि गलतियां हो गई, तो बच्चों इन गलतियों को, इन मिस्टेक्स को, एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें पिछले साल के अकाउंट्स, पिछले साल की बैलेंस शीट, उनमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं हाथ लगाना। बच्चों अगर ध्यान हो, प्लस वन में भी हमने इसी तरीके से चैप्टर किया था और चैप्टर का नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से एक है। तो ये टॉपिक लगभग वैसा ही है। क्वेश्चन में लिखा पाएगा कि ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, एंड यू आर टू रेक्टिफाई द एरर्स। आपने इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है, वो भी कैसे, बाई पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपने एक सिंगल जर्नल एंट्री करनी है और ऐसी एंट्री करनी है कि जिससे सारी एरर्स रेक्टिफाई हो जाए। उस एंट्री को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। और ये एंट्री हम कब करेंगे? एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। पिछले साल के अकाउंट्स को नहीं हम डिस्टर्ब करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होएगा हम स्टार्टिंग में रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखें। बेटा, मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन मैंने यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है, ब्रीफ में लिखा है, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, आप स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना वर्ड बाय वर्ड।
पहले आपने कहानी समझनी है कि व्हाट इज द मैटर, देन वी विल सॉल्व। अभी सॉल्यूशन की तरफ मत देखना, ओनली स्टेटमेंट। बच्चों रीड कर रहा हूं, लिखा है ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। टोटल चार पार्टनर है और इक्वल लिखा है, मींस वन रेशो वन रेशो वन रेशो वन। आगे है देयर कैपिटल्स ऑन 1st April 2018 वर रुपीज 50,000 30,000 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। ये सबकी कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल 1st April 2018। अब आगे क्वेश्चन लिखा है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। ये करंट ईयर था, लिखा है कि अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं इस साल के। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एरर हो गई, गलती हो गई। लिखा है कि इस साल का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना भूल गए। आगे क्या लिखा है, इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर रादर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। कि पिछले साल की बैलेंस शीट को नहीं छेड़ना, पिछले साल के अकाउंट्स को नहीं डिस्टर्ब करना, हम अगले साल बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, एज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। बच्चों अगर ये सेंटेंस ना लिखा होता तो भी हम नॉर्मली यही एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन शायद आपको समझ आ गया होगा। अब देखो कैपिटल हमें दी हुई है सभी पार्टनर्स की ए बी सी और डी 50,000, 30,000, 25,000, 15,000, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 और टोटल मिलाकर हो गया 12,000। बच्चों रेक्टिफिकेशन एंट्री करने से पहले वी विल हैव टू प्रिपेयर अ टेबल, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, सभी पार्टनर्स के कॉलम बनानी है ए बी सी डी और एक ये कॉलम टोटल का भी बनेगा। टोटल बच्चों ये जो टेबल हम बना रहे हैं इसमें टोटल दो स्टेप है, ध्यान से सुनना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो ये लगा लीजिए कि ये टॉपिक ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल परसों जो मैंने पढ़ाने हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और हमने इस एरर को क्या करना है, रेक्टिफाई। तो कैसे करें, क्वाइट इजी। हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे तो अब दे दो, इसमें क्या दिक्कत है, अब दे दो। देखो मैं दे रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू पार्टनर्स, दे दो अब, व्हाट इज द प्रॉब्लम। और देने का मतलब क्या है, इफ यू रिमेंबर कैपिटल अकाउंट्स जब मैंने आपको सिखाए थे ये रहे कैपिटल अकाउंट्स, तो आप याद करके ये बताइए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं वो कैपिटल अकाउंट में कहां पे शो होता है, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट साइड यहां पे शो होता है क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। तो पिछले साल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, अब दे दो नो प्रॉब्लम। मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हम कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर रहे हैं, पिछले साल रह गया था अब कर दो, एरर ठीक हो जाएगी, गलती ठीक हो जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू पार्टनर्स क्रेडिट, हम इसको कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे क्योंकि पिछले साल रह गया था 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 कैपिटल्स दे रखी है 10% कैलकुलेट कर लेना और टोटल कितना हो गया 12,000। देखो बच्चों फर्स्ट स्टेप क्लियर है या नहीं है, क्वाइट इजी नो प्रॉब्लम। अब सेकंड थोड़ा ध्यान से सुनना, अलर्ट हो गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अगर आपको ध्यान हो इसको हम कैपिटल अकाउंट्स में भी शो करते हैं और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो
अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी शो करते हैं। अब पिछले साल क्योंकि हम इसको कंसीडर ही करना भूल गए थे, मींस ना तो हमने इसे कैपिटल अकाउंट में दिखाया और ना ही लास्ट ईयर हमने इसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया, कहीं नहीं दिखाया, इग्नोर, भूल गए। अब इस गलती का तो हमने समाधान कर दिया, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए थे, मैंने कर दिया, ये तो रेक्टिफाई हो गया। नाउ थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना है बच्चों, थोड़ा अलर्ट होते सोचना, दिमाग लगाइए कि लास्ट ईयर जो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आना चाहिए था, डेबिट साइड आना चाहिए था, लेकिन हम इसको दिखाना भूल गए, हमने दिखाया नहीं। इस गलती की वजह से, इस अमिशन की वजह से ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है हमारा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, ये जो बैलेंस आता है डिविजिबल प्रॉफिट, इस पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, जस्ट थिंक, सोचिए। ये 12,000 हमने यहां पे नहीं दिखाए, इस गलती की वजह से ये जो 12,000 नहीं दिखाए, इस डिविजिबल प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, अननेसेसरीली बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? डेफिनेटली बढ़ गया होगा, डेफिनेटली, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इस एरर की वजह से लास्ट ईयर डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया होगा अननेसेसरीली, कितना बढ़ गया होगा, 12,000, और बढ़ने के बाद बट भी गया होगा, किस में बटा होगा, पार्टनर्स में, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इस गलती की वजह से पिछले साल पार्टनर्स में जो प्रॉफिट बटा है वो ज्यादा बट गया, बाय मिस्टेक, कितना ज्यादा बट गया, 12,000, उस 12,000 में 3 ए को मिले होंगे, 3 बी को, 3 सी को और 3,000 डी को, इक्वल रेशो। तो ये जो पिछले साल एक्सेस प्रॉफिट उनमें बट गया, आपने वापिस लेना है, गलती से बट गया था बाय मिस्टेक, वापिस लेना, ठीक है बच्चों? तो पिछले साल जब हमने प्रॉफिट उनमें बांटा हुआ और जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कहां जाता है वो, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। थोड़ा ध्यान से सोचना, यानी कि पिछले साल उनके कैपिटल अकाउंट्स में हमने एक्सेस प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया गलती से, आपने वापिस लेना है, वापिस लेने का मतलब है कैपिटल में से निकालना है वापिस, और कैपिटल में से वापिस निकालने का मतलब है आपने उसको डेबिट करना है। देखो मैंने क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ रुपीज, सॉरी 12,000, डिवीजन ऑफ रुपीज 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नाउ रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स, वापस ले रही है, गलती से बट गया था, डेबिट निकाल रहे हैं कैपिटल में से, एक्सेस क्रेडिट हो गया था, तो 3 इससे लेना है, 3, 3, 3 एंड टोटल हो गया 12,000। बच्चों ये दो स्टेप है, अगर ये दोनों स्टेप आपको समझ आ गए क्वेश्चन आपका हो गया, आगे कुछ नहीं है। बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला स्टेप है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, दे दो, देने का मतलब है कैपिटल अकाउंट में डाल दो, और कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट पेबल टू पार्टनर्स, जो देना है दे दो। और दूसरा स्टेप क्या है कि जो गलती से दे दिया वो वापिस ले, दो ही बातें, जो देना चाहिए था उनको दे दो और जो आपने गलत दे दिया उनसे वापिस ले लो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो दूसरा स्टेप मैंने बताया कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्योंकि लास्ट ईयर हमने दिखाया ही नहीं, उसकी वजह से डिविजिबल प्रॉफिट अननेसेसरीली बढ़ गया होगा, बढ़ भी गया होगा, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपने वापस लेना है सबसे। नाउ रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स मींस कैपिटल में क्या करेंगे, डेबिट, राइट बच्चों, आगे कुछ नहीं है। आगे देखो मैंने क्या लिखा है, नेट इफेक्ट। देखो बच्चों ए को हमने कितने रुपए देने हैं, 5,000 कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, और हमने उससे लेने कितने हैं, 3,000। फिर दिमाग लगाना है कि 5,000 आपने देने हैं और 3,000 उससे लेने हैं, तो बजाय कि मैं 5,000 उसको दूंगा फिर 3,000 उससे लूंगा, बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट ही रहेगा कि हम उसको नेट देंगे 2,000, ठीक है बच्चों? जैसे मैंने आपके 5,000 देने हैं लेकिन मेरे 3,000 फीस के आपसे लेने भी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेट आपको पेमेंट करूंगा केवल 2,000 की नेट, दिस इज नेट इफेक्ट, 5,000 क्रेडिट 3,000 डेबिट, तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा, 2,000 क्रेडिट।
बजाय कि ए के कैपिटल अकाउंट को पहले हम क्रेडिट करेंगे फिर हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो बेटर है कि आप उसके कैपिटल अकाउंट को बस क्रेडिट कर दो, और कितने से 2000 नेट, राइट? क्वाइट इजी। बी को देखो, बी का कैपिटल अकाउंट 3000 से क्रेडिट करना है, 3000 से डेबिट करना है, नेट इफेक्ट जीरो, उसके कैपिटल अकाउंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। 3000 हमने देने हैं और 3000 उससे लेनी है, हिसाब बराबर हो गया, नेट इफेक्ट नील। सी को देखिए, 2500 देनी है और हमने उससे लेने कितने हैं 3000, तो हम उससे नेट 500 लेंगे, डेबिट 500 डेबिट। डी को देखिए, 1500 हमने देनी है और 3000 हमने उससे लेनी है, तो हम उससे नेट कितना लेंगे 1500 डेबिट। मतलब किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपने नेट या तो क्रेडिट कर देना है या फिर डेबिट कर देना है, दिस इज नेट इफेक्ट, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री में करने जा रहा हूं बच्चों, ये तो सारा वर्किंग नोट है जो मैंने बनाया। अब एंट्री क्या होगी देखिए, यहां पे कर रहा हूं बच्चों, एक और ध्यान रखना, बेशक एक ही एंट्री होगी तो भी आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि एंट्री कब करनी है, इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होएगा, 1 अप्रैल 2019। एंट्री वेरी इजी, सी को डेबिट कीजिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹500, हो गया हिसाब। डी को डेबिट कीजिए, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, राइट। और ए को हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू ए कैपिटल अकाउंट विद ₹2000, लेकिन एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर करना भूल गए थे, हमने उसकी एडजस्टमेंट कर दी, तो दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री। एक ही एंट्री से हमने ये सब कुछ ठीक कर दिया, 500 सी से ले लेंगे, 1500 डी से ले लेंगे, और टोटल ये 2000 किसको दे देंगे, ए को। आपकी एंट्री मैच भी करेगी, जितना हम डेबिट कर रहे हैं उतना ही क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है बच्चों, ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम। तो ये था बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चेक कीजिए दोनों स्टेप, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 दोनों स्टेप क्लियर है या नहीं है विद लॉजिक, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो लगभग ये टॉपिक आपका हो गया लगभग, अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लेक्चर में मैंने दो ही क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने थे बेटा। अभी जो जर्नल एंट्री मैंने यहां पे की थी उसमें एक बात और ध्यान रखना, एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले, रेक्टिफिकेशन एंट्री करने से पहले, यू मस्ट मेक एनश्योर वेदर कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। एंट्री करने से पहले एनश्योर कर लेना कि कैपिटल्स फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। अगर इसी क्वेश्चन में जो अभी हमने किया है कैपिटल्स फिक्स होती तो जर्नल एंट्री आपने ऐसी ही करनी है जो मैंने बताई थी, लेकिन कैपिटल अकाउंट की बजाय क्या आएगा, करंट अकाउंट, क्योंकि हमें पता है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड हम कैपिटल अकाउंट को नहीं डिस्टर्ब करते, हम जो भी डेबिट क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स को कुछ देना है, पार्टनर से कुछ लेना है, वो कहां पर करते हैं, करंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। लेट्स डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, बेटा मैं रीड कर रहा हूं, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने लिखा भी है ब्रीफ में। क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, रेशियो क्या है 3:1। आगे लिखा है आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। फिर वही बात है, अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, फिर हमने देखा कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है
ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है। लिखा है कि हम इसको कंसीडर ही करना भूल गए, एरर। आगे क्या लिखा है, हमने क्या करना है, लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू रुपीज एक्स 2550 वाई 1850 जेड 1000। ये आपको दे रखा हूं ऑलरेडी कैलकुलेट करके। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री या गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। देखो बच्चों कंसेप्ट वही है जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, बिल्कुल उससे अपोजिट स्टोरी है, अपोजिट। सोचिए वी विल हैव टू प्रिपेयर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, थ्री पार्टनर्स आर देयर एक्स वाई जेड एंड वन कॉलम फॉर टोटल, एक टोटल का कॉलम आपने बनाना है। टोटल बच्चों दो ही स्टेप होते हैं। अब सोचिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने पार्टनर से चार्ज करना था लास्ट ईयर और हम चार्ज करना भूल गए, तो इसमें क्या समस्या है, अब चार्ज कर लेते हैं। ये कैपिटल अकाउंट है, लास्ट ईयर कैपिटल अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां पे आना चाहिए था, कैपिटल अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां दिखाते हैं। बच्चों मैंने पहले ही कहा था अगर आपने पार्टनरशिप पढ़नी है, पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर करना है, तो कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए विद लॉजिक विद जर्नल एंट्री। अगर कैपिटल अकाउंट्स आपको नहीं आते तो फिर आप पार्टनरशिप नहीं पढ़ पाऊंगे। तो सोचिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में कहां पर आता है, डेबिट साइड इधर दिखाते हैं क्योंकि हमने पार्टनरशिप चार्ज करना है और लास्ट ईयर हम इसको यहां पे शो करना भूल गए, दिखाया ही नहीं तो कर लेंगे, चार्ज करना था भूल गए अब चार्ज करेंगे। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, और चार्ज करने का मतलब आप उससे ले रहे हैं, नगद नहीं लेना कैश में नहीं लेना, उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे डेबिट। जब कुछ देना होता है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और अगर कुछ लेना है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट। ठीक है बच्चों पहला स्टेप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स डेबिट। एक्स सीखना लेंगे, वाई सीखना लेंगे, जेड सीखना लेंगे, और टोटल हमने कितना चार्ज करना है 5400। तो लास्ट ईयर ये जो गलती हमसे हो गई थी इसको तो हमने ठीक कर दिया, राइट। दूसरा एस्पेक्ट मैंने आपको कहा था, आपने सोचना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। लास्ट ईयर हमने ये बनाया होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पक्का बनाया होगा, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो इसमें किस साइड आता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं क्रेडिट साइड आता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और टोटल कितना बनता है तीनों का एक्स वाई जेड का टोटल बनता है 5400। बच्चों सोचिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में लास्ट ईयर दिखाना था और हम दिखाना भूल गए कंसीडर नहीं किया। तो अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में हम 5400 नहीं दिखाते हैं तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट अपना आता है इस डिविजिबल प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा हुआ, सोचिए क्वाइट इजी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में अगर आपने ये इनकम नहीं दिखाई तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, कम हो गया होगा नेचुरल, कितना कम हो गया होगा 5400। इसका मतलब क्या निकलता है, लास्ट ईयर पार्टनर्स में जो प्रॉफिट बटा है वो कम बटा है, कितना कम बटा है 5400। ये तो इनजस्टिस हो गया, ज्यादती होगी पार्टनर्स के साथ। तो अब हमने क्या करना है, पिछले साल जो 5400 प्रॉफिट कम बटा है वो हम अब बांटेंगे, अब देंगे उनको। देखो मैं दे रहा हूं 5400, यहां पे क्या लिखा है डिवीजन ऑफ रुपीज 5400, किस रेशो में देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 3:1 पेबल टू पार्टनर्स, और देने का मतलब उनकी कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे क्रेडिट। तो 5400 3/6 2/6 एंड 1/6 2700 हम एक्स को देंगे, 1800 वाई को देंगे, और 900 किसको देंगे जेड को। क्लियर है बच्चों, लॉजिक पे ध्यान दो, क्यों दे रहे हैं क्योंकि पिछले साल उनको जो प्रॉफिट मिला है वो कम मिला है। बच्चों सीधी सी बात है, देखो दो स्टेप है, ये उनसे लेना था ले लो,
जो पार्टनर से लेना है ले लो, और जो उनको देना है वो दे दो, ये हमने लेना है ले लिया और ये हमने उनको देना है क्योंकि पिछले साल प्रॉफिट हमने कम दिया, ये उनको दे दो, हिसाब ठीक हो गया, रेक्टिफाई हो गया। अब देखिए नेट इफेक्ट, हमने इससे लेनी है 2550 और हमने इसको देने कितनी है 2700। सोचिए बच्चों, प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने किसी को 2700 देनी है और उससे लेने कितनी है 2550, तो बेटर क्या होएगा, हम उसको नेट कितना पे करेंगे 150 क्रेडिट। यहां पे देखिए 1850 हमने लेनी है और 1800 हमने देनी है, तो हम उससे नेट कितना लेंगे 50। यहां पे देखिए 1000 से डेबिट करना है, 900 से क्रेडिट करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको पहले डेबिट करेंगे फिर इसको यहां पे क्रेडिट करेंगे, हम उसको नेट 100 रुपीज से क्या कर देंगे डेबिट। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री बच्चों, जर्नल एंट्री होएगी, अब तो क्लियर है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद रुपीज 50 नेट, चेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 नेट कर दिया, टू एक्स कैपिटल अकाउंट हम इसको कितना दे रहे हैं 150। नरेशन आप लिख सकते हो एडजस्टमेंट फॉर ऑमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि हमने एडजस्ट कर दिया। देखो बच्चों, उसका ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया था, इसी क्वेश्चन में अगर कैपिटल्स फिक्स होती, क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तभी बच्चों मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, यहां पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल्स फिक्स है और आपने एंट्री ये कर दी तो एंट्री गलत हो जाएगी। अगर कैपिटल्स फिक्स है तो फिर यहां पे कैपिटल की बजाय क्या आएगा, करंट अकाउंट, एंट्री क्या होगी वाइज करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, टू एक्स करंट अकाउंट इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।